अस्सलामुअलैकुम डियर किड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी? तो प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही खूबसूरत सी बुक फीसेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट वोकैबुलरी एंड बेसिक वर्ड बिल्डिंग की ये बुक है और ये फाउंडेशन वन है। वन मीन ये नर्सरी क्लास की बुक है। सो किड्स, आज हम इसमें से खोलेंगे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से रीडिंग करेंगे। फिर हम इसके अलावा एक्टिविटीज़ करेंगे। एक्टिविटी नंबर वन में हम कुछ चीज़ें देखेंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी टू में हम लोग फ्लैश कार्ड्स देखेंगे, फिर हम लोग को अपनी बुक की जाने पाएंगे और बुक में बहुत सा काम है। चलें तो हम अपने बुक के काम को स्टार्ट करते हैं। सो किड्स लुक, दिस इज़ क्विल्ट। दिस इज क्विल्ट। क्विल्ट को उर्दू में लहाफ कहते हैं। सो दिस इज क्विल्ट। क्विल्ट, क्या आप क्विल्ट को लेते हैं, रात को ओढ़ते हैं? जी, क्विल्ट ओढ़ने वाले लहाफ को कहते हैं। सो किड्स, क्विल्ट की बिगनिंग साउंड क्वा है? चले तो हम मज़ीद फ्लैश कार्ड्स को देखते हैं जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे लिए बने हुए हैं। जी, सो द फर्स्ट इज लुक, दिस इज क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क किसे कहते हैं? क्वेश्चन मार्क को उर्दू में सवालिया कहते हैं, सवालिया निशान। अब ये सवालिया निशान क्या करता है? जब कभी हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका उसके आगे जब, क्योंकि वो सवाल होता है और उसके आगे सवालिया जो क्वेश्चन मार्क आता है वो ऐसा ही लिखा जाता है, चाहे वो उर्दू में हो या इंग्लिश में। सो दिस इज क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है। ना लुक, लुक किड्स, दिस इज डक। डक, बट डक स्पीकिंग साउंड इज ड, लेकिन हम तो क्वा को पढ़ रहे हैं। बट आपने क्या एक चीज़ को नोट किया कि डक की आवाज़ क्या है? डक कैसे बोलती है? डक की आवाज़ क्वैक क्वैक है। सो इट्स मीन क्वैक क्वैक स्पीकिंग साउंड इज क्वा, लेटर क्यू साउंड, क्वा। सो नेक्स्ट इज लुक किड्स, दिस इज क्वीन। ये क्वीन है और क्वीन को उर्दू में रानी कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत से कपड़े पहनती है, बहुत ही खूबसूरत सी ज्वेलरी पहनती है, जिसने अपने सर पर ताज भी रखा होता है और ये सबसे खूबसूरत भी होती है। सो दिस इज क्वीन, ये क्वीन है। सो किड्स, क्वीन की बिगनिंग साउंड भी क्वा है। क्यू क्वा क्वीन। सो क्वीन, डक एंड क्वेश्चन मार्क बिगनिंग साउंड इज क्वा। लुक किड्स, दिस इज लेटर क्यू साउंड क्वा, कैपिटल लेटर क्यू, स्मॉल लेटर क्यू, लेटर क्यू साउंड क्वा, सो किड्स चलें अब हम अपनी बुक की जानब चलते हैं और मज़ीद बुक में से हम देखते हैं लेटर क्यू साउंड क्वा से और कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। चलें तो बुक की जानब, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज हम बुक में से एक्टिविटीज़ को करेंगे जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे लिए बनी हुई हैं। जी चलें तो आज हम पेज नंबर 54, एंड ऑल्सो वर्क इज रीड, ट्रेस, सर्कल। टुडे ऑल्सो वर्क इज, आज जो हमारा काम है वो क्या है? हमने रीड करना है, ट्रेस करना है एंड कलर्स। सो हमने कलर्स भी करने हैं और सर्कल भी करना है। सो किड्स, आज हमने जो काम करने हैं वो हमने देखा, और हमने देखा कि आज हमने पेज नंबर 54 पर जो जो काम करने हैं। सो किड्स लुक, दिस इज क्विल, ये क्विल है और क्विल बहुत ही खूबसूरत सा परिंदा होता है। ये छोटा सा होता है लेकिन ये भारी भरकम वजन की वजह से और पर छोटे होने की वजह से उड़ नहीं पाता। सो नेक्स्ट इज क्विल्ट। क्विल्ट लहाफ को कहते हैं जिसे हम ओढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले लहाफ दिखाया। सो नेक्स्ट इज क्वीन। सो क्वीन रानी को कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सी होती है। देखिए इसने कितना खूबसूरत सा ड्रेस पहना है और इसने अपने सर पर बहुत ही खूबसूरत सा ताज भी पहना है जिसे क्राउन कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सी है। सो किड्स, क्या आप जानते हैं कि क्विल, क्विल्ट और क्वीन की बिगनिंग साउंड क्या है? सो व्हाट इज़ द बिगनिंग साउंड ऑफ क्विल, क्विट एंड क्वीन? इट्स बिगनिंग साउंड इज लेटर क्यू साउंड क्व, लुक, दिस इज लेटर क्यू साउंड क्व, सो नेक्स्ट वर्क इज ट्रेस। रीडिंग के बाद हमने ट्रेस करना है। सो लेट्स स्टार्ट ट्रेसिंग। लेटर क्यू साउंड क्व, लेटर क्यू,
साउंड क। सो नेक्स्ट वर्क इज ट्रेसिंग, जो हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से ट्रेस करेंगे। आप लोगों ने भी अपनी बुक को खोलना है और पेज नंबर कौन सा निकालना है, पेज नंबर 54। कौन सा पेज ओपन करना है आप लोगों ने, पेज नंबर 54। सो चले हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ हम अपने काम को भी जारी करेंगे। सो हमारा जो वर्क है वो क्या है, हमारा वर्क है लेटर क्यू साउंड, 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 letter q sound, qua, 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 letter q sound, qua. सो किड्स हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे लिखा। सो नेक्स्ट इज एक्टिविटी एंड द एक्टिविटी नंबर 1 इज सर्कल द ऑब्जेक्ट विद बिगिंस विद लेटर क्यू। सो द फर्स्ट इज डक एंड द नेक्स्ट इज क्वीन एंड नेक्स्ट इज क्विल। सो बिगनिंग साउंड हमने देखनी है, शुरू की आवाज़। सो शुरू की आवाज़ डक की आवाज़ जो है वो तो क्वैक क्वैक है, लेकिन डक खुद किससे बनती है, ड से, इसलिए हम इसे सर्कल नहीं करेंगे। क्वीन की शुरू की आवाज़ क्वा है तो हम इसे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट क्विल, क्विल की शुरू की आवाज़ भी क्वा है इसलिए हम इसे भी सर्कल करेंगे। एक्टिविटी नंबर 2 इज विच थिंग्स प्रोटेक्ट अस इन द कोल्ड नाइट। हमें जो है वो कौन सी चीज़ प्रोटेक्ट करती है कोल्ड नाइट को, मैट और क्विल्ट। क्विल्ट हम ऊपर ओढ़ते हैं ना, कि हम लोग रात को मैट क्लीन लेके ऊपर सोते हैं, हम लोग क्विल्ट ऊपर लेके सोते हैं। सो ऑन पेज नंबर 55 ऑल्सो एक्टिविटी एंड द एक्टिविटी इज हाइड एंड सिक, फाइंड फाइंड ढूंढे। लेटर क्यू से हमने क्या करनी है, लेटर क्यू साउंड क्वा से तमाम चीज़ों को हमने ढूंढना है। हम वन बाय वन ऊपर से लेके नीचे की जानेब हम आएंगे और इनमें से कुछ चीज़ें ढूंढेंगे और फिर हम उन्हें सर्कल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट the work and the first is question, question. So look, ये जो छोटी सी बहुत ही खूबसूरत सी bird है ये question कर रही है। आपने देखा question, ये question mark का निशान है। Now next quill, now look in window, this is quill. Now next quilt, ये क्विल्ट है, लहाफ जिन्हें हम ओढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वीन, सो लुक अ वेरी ब्यूटीफुल क्वीन, सर्कल अ वेरी ब्यूटीफुल क्वीन। सो किड्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने अपने काम को मुकम्मल किया और इसी के साथ साथ हमने अपने पेज नंबर 55 को भी कंप्लीट किया। आपने भी पेज नंबर 54 और 55 को खोलना है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसकी रीडिंग करनी है, ट्रेसिंग करनी है एंड सर्कल करना है। सो किड्स मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।